अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाँ। भाई कहाँ थे आप? देखो ना मॉम की क्या हालत हो गई। क्या 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 हुआ मॉम? हाँ। कैसी है? बेटा सास चल रही है, घबराहट हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है। बबीता मैम जानती थी कि लिफ्ट बंद है, खुद कहा था उन्होंने कि राज सर आ रहे हैं उनकी मदद करने, लेकिन विराट सर मेरी बात का यकीन तो करेंगे नहीं ना, बस चिल्ला देंगे मुझ पर। इनका बीपी काफी बढ़ गया और शुगर भी काफी लो हो गई है, और ऊपर से इनके पैर में चोट लगी हुई है। आप लोग इनके लिए इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? खैर एनीवेज मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। ये लीजिए, मैंने कुछ दवाइयाँ ऐड कर दी है, आप इनको टाइम पे दे दीजिएगा। और हाँ प्लीज ध्यान रखिए आगे से ऐसा ना हो। ये काफी देर तक लिफ्ट में बंद थी, कोई फैन नहीं था, नो वेंटिलेशन, इनकी जान भी जा सकती थी। बबीता कितने स्वेर भी दिखी नहीं मैनू। अमृता बाबू थोड़ा देर पहले उन्हें कहीं लेके जा रही थी। एनीवे मैं चलता हूं, आप सब बातों का ध्यान रखिए, बाय। बबीता दीदी मैंने तो आपको बताया था कि लिफ्ट खराब है, फिर आप लिफ्ट में क्यों गई? चुप कर दीपिका, ये तो दी की तबीयत खराब है और ऊपर से तूने अलग ही सवाल शुरू कर दिए। हाँ सॉरी, विराट सर ने कुछ कहा नहीं, चिल्लाई नहीं। निम्मी कभी मुझे बैठना है। हाँ मामा हाँ, बैठना है। बिठा बिठा बिठा, बिठा दो। विराट बेटा मुझे दिल्ली ले चल, यहाँ मुझे सेफ नहीं लग रहा है। उस दिन तो मैं ट्रक से बच गई, लेकिन आज मुझे लिफ्ट में बंद कर दिया इस लड़की ने। मैम आप जानती हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इतनी मिन्नत की मैंने कि मत करो ऐसा, लेकिन ये बेशरम लड़की, ये तो जानती थी ना कि मैं इस हालत में कुछ नहीं कर सकती। व्हील चेयर पे बैठ के मैं क्या ही कर सकती हूँ, तो इसने फंसते हुए मुझे बंद कर दिया अंदर और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। पता नहीं क्यों मेरे जान के पीछे पड़ी है ये लड़की। झूठ की हद होती है मैम। मैं आपको लिफ्ट के सामने इसलिए छोड़ के गई थी क्योंकि आपने जाने के लिए कहा था, मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं नहीं तूने कुछ नहीं किया, सब मैंने ही किया। मैंने अपने आप को लिफ्ट में बंद कर दिया दम घुटने के लिए ताकि मैं मर जाऊं। मरने का शौक है ना मुझे, ये कहना चाहती है लड़की है ना। विराट मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, पता नहीं ना कल किसी क्या करे मेरे साथ, मैं इस खौफ में कैसे जीऊंगी। मुझे दिल्ली छोड़ा, मुझे दिल्ली छोड़ा। मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, मैं अकेले इस हालत में तो नहीं जा सकती ना। मैं अभी लाचार हूँ, बेसहारा हूँ, मैं कैसे जाऊँ? लाचार इसलिए नहीं हूँ कि मेरे पैरों की हालत ऐसी है, बल्कि मैं लाचार अपने परिवार की वजह से हूँ। कोई मुझ पर विश्वास ही नहीं करता। सब लोग को लगता कि मैं झूठ बोल रही हूँ। पापा पैसे क्यों कर? बेटा मुझे दिल्ली छोड़ा, इतना बड़ा परिवार है मेरा, लेकिन फिर भी मैं अकेली हूँ।
में भी अकेली रह लूंगी मैं, अकेली रह लूंगी बेटा, मुझे दिल्ली छोड़ा बेटा, छोड़ा। आप अकेली नहीं है, हम हैं ना आपके साथ, सुना आपने? अकेली नहीं, आखिर मेरे तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरे जान के पीछे पड़ी है तू? अब कुछ बोल ना। क्या कहूं मैम, आप मुझसे नफरत करती हैं, मैं जानती हूँ, समझती भी हूँ, लेकिन इस घर में हूँ इसके लिए आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। आपका बेटा जबरदस्ती लेकर आया शादी करके, मैं रद्द कर रही थी ना, इन्होंने रद्द भी नहीं होने दी वो शादी, एक साल तक यहाँ रहने पे मजबूर किया इन्होंने। आपकी हालत का मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन आपसे ज्यादा मजबूर लाचार इस वक्त मैं हूँ। और आप पूछ रही मैं क्या बोलूँ, बाकी सब तो मेरे सच को झूठी मानते हैं, जितना बोल सकती थी बोल दिया, और कुछ नहीं कहना मुझे। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि बेबुदी लिफ्ट में बंद है? जब हम लिफ्ट के पास पहुंचे तो हमें इनकी आवाज सुनाई दी, हम ढूंढने लगे तो फिर लिफ्ट को कान लगाया तो फिर पता चला कि ये अंदर है। अच्छा, ढूंढ तो हम सब भी रहे थे पर हमें तो ऐसी कोई आवाज नहीं आई। फिर तुम्हें कैसे आई? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही ने अपनी बेटी के साथ मिलकर बेबोदी को लिफ्ट में? ए, कुछ भी बोले जा रही है, भला किया था हम भी इल्जाम लगा रही है तो इनकी मदद करनी नहीं चाहिए थी हमें। एक एक मिनट, अगर हम इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते तो हम वहां नहीं जाते ना, और लोगों को नहीं बताते कि अंदर बंद है। क्योंकि तुम डर गई थी, तुम्हें लगा अगर मॉम को कुछ हो गया तो पुलिस तो गुनहगार को ढूंढ ही लेगी ना। पुलिस? पुलिस को किसने बुलाया? मैंने। ऑफ कोर्स, अरेस्ट कर लीजिए मुझे, क्योंकि इस घर में कुछ भी गलत होगा तो एग्जाम तो मेरे ही सर पे डाला जाएगा ना। हम क्या कर रही है तू? आप उन्हें कुछ नहीं किया। आई रहने दे, इट्स ओके। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।